हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल अलीब्रदर्स 63। तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपका दोस्त अलीशक्त। आज का यह हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 19 है। इस वीडियो में हम वर्ब्स एडवर्ब्स के बारे में देखने वाले। चलिए अभी हम इस वीडियो की शुरुआत करते। तो एडवर्ब्स को हम बहुत सारे प्रकार में कह सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एडवर्ब्स, जैसे कि आफ्टर वर्ड, अगेन, एगो, ऑलरेडी, अवे, अर्ली, एल्स, इनफ, एवर और फार। चलिए भी हम देखते आफ्टर वर्ड कभी कैसे यूज होता है। वे आई विल कम आफ्टर वर्ड्स इज यू आर बिजी। मैं तब आऊँगा जब तुम बिजी नहीं होगे। यानी कि अभी तुम बिजी, उनका मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है, अभी तुम बिजी हो इसलिए मैं बाद में आता हूँ। यानी कि उसका क्या मतलब हो गया आफ्टर वर्ड्स। अगेन कब कहते हैं? दैट गर्ल वू गो अगेन। वो लड़की वापस जा रही है। वापस, अगेन, वापस। एगो, ही हैड कम हियर अबाउट टू ईयर्स एगो, 2 साल पहले वो यहाँ आया था। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। मैंने तुम्हें इस बारे में कब पहले से ही बता दिया। अवे, यू कैन गो अवे फ्रॉम मी। तुम मेरे से दूर जा रहे हो। अर्ली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोज सुबह उठता हूँ। अर्ली यानी कि क्या, रोज। एल्स, ही वेंट कम हियर एल्स। वो तब आया था। अगला क्या है हमारा, इनफ। दे आर प्रिपेयरिंग इनफ फॉर एग्जाम। वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एवर, डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस। क्या तुमने इसके बारे में सोचा। फार, ही इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। तुमसे कहीं या फिर तुमसे ज़्यादा अनुभव है। ऐसा क्या आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन की 3 डिग्रीज होती है, वैसे एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज होती है। जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इस प्रकार की। और उसमें मोर भी लगता है। जैसे कि इधर को अभी हमने कहा था, या मोर एक्सपीरियंस, क्या लगा, मोर एक्सपीरियंस, तो मोर भी लगता है। तो यही था आज का हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 19। इस वीडियो में हमने एडवर्ब्स के बारे में सीखा है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर आखिर तक बने रहे। थैंक यू।